सैफर केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मंजूर कर ली। तहरीरी फैसला जारी। अदालत का मुलजमान को 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। चार्ज शीट के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। कागजात नामजदगी का तीसरा रोज उम्मीदवार की भागदौड़। जहांगीर तरीन लोधना से मैदान में, बिलावल भुट्टो ने लाड़काना के बाद लाहौर से भी फॉर्म दे दिए। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शाह से मुकाबले की ठान ली। लाहौर से नवाज शरीफ के लिए कागजात हासिल कर लिए गए। बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजात मियांवाली में, शाह महमूद कुरैशी के थरपारकर में कागजात जमा। ख्वाजा आसिफ मुराद अली शाह, मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने फॉर्म भर दिए। खुर्शीद शाह, असद कैसर, चौधरी सालिक, फारूक सत्तार ने भी कागजात जमा करवा दिए। अलीम खान, अब्दुल कादिर गिलानी, बशीर मीमन, मूसा इलाही, लियाकत जतोई भी उम्मीदवार। आबिद शेर अली, फिरदौस आशिक अवान, अली गौहर, अमीर मुकाम भी इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे या मुख्तलिफ निशानात पर उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात केस, इलेक्शन कमीशन का महफूज फैसला आज जारी होने का इम्कान। पेशावर हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर तक फैसला जारी करने का हुक्म जारी किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।